स्पोर्ट्स आर पे बहुत बहुत स्वागत है आपका और बात करेंगे आईपीएल की, आईपीएल 2023 की। जैसा कि हम जानते हैं कि आईपीएल का खुमार पूरी दुनिया पर सर चढ़कर बोलता है और इस बार हमने देखा कि जियो सिनेमा पे आईपीएल फ्री में देखा जा रहा है और काफ़ी सारे रिकॉर्ड ऐसे हैं जो टूट चुके हैं। हमने लास्ट जो मैच देखा था सीएसके वाला मुकाबला देखा था, जो लास्ट मुकाबला जिसमें धोनी वहाँ पर बैटिंग कर रहे थे, 2 करोड़ लोग वॉचिंग थे उस टाइम पर जियो सिनेमा पर। लेकिन अब जियो सिनेमा ने ये मतलब प्लान किया है कि इस पर आपको सब्सक्रिप्शन लगाया जाए, लोगों से पैसे वसूले जाएं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आईपीएल इतने सारे लोग जियो सिनेमा पे देख रहे हैं और वो भी फ्री में देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जियो सिनेमा में इस बार जो डिजिटल राइट्स जीते थे उसके बाद वाईकॉम 18 की जो कंपनी है जियो सिनेमा, वहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऐप में आप फ्री में आईपीएल देख सकते हैं। लेकिन अगली बार से ऐसा आईपीएल में नहीं होगा, अगली बार से आपको पैसे चार्ज करने पड़ेंगे, जियो सिनेमा आप डाउनलोड करेंगे और सब्सक्रिप्शन आपको देना पड़ेगा। लेकिन जियो सिनेमा इसमें क्या करेगा कि और ज़्यादा कॉन्टेंट डालने की कोशिश करेगा। जैसा कि एक रिपोर्ट्स के मुताबिक हम आपको बता रहे हैं, एक मीटिंग हुई थी वहाँ पर जियो सिनेमा ने प्लान किया, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी प्लान किया कि यार इस बार 100 से ज़्यादा फिल्में और टीवी सीरीज का कंटेंट जियो सिनेमा पे डाला जाएगा। हालांकि इसके लिए बड़ी लागत की ज़रूरत होगी जिसकी पूर्ति करने के लिए लोगों से पैसे वसूलने का प्लान है। तो जियो सिनेमा लोगों से पैसे वसूलेगा, सब्सक्रिप्शन चार्ज लेगा और उसके बाद इसमें चीज़ें ऐड करता रहेगा। जैसा कि हम देखते हैं नेटफ्लिक्स में चीज़ें चलती हैं या डिज्नी हॉटस्टार पे चलती हैं, पहले आप हॉटस्टार पे आईपीएल देखते थे जिसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन देना पड़ता था, पैसे देने पड़ते थे, लेकिन जियो सिनेमा पे आप फ्री में आईपीएल का मज़ा उठा रहे हैं। लेकिन अगली बार से फैंस के लिए थोड़ा सा दिल तोड़ने वाली बात है कि फैंस को अब चार्ज देना होगा, यानी कि पैसे देने होंगे, और जिसकी वजह से आप जैसे ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको सब्सक्रिप्शन वहाँ पर लेना पड़ेगा। अब नेटफ्लिक्स को भी टक्कर देनी है या डिज्नी हॉटस्टार को भी टक्कर देनी है। आईपीएल 2023 में आप देखेंगे कि जो जियो सिनेमा है वो काफ़ी लोग इस्तेमाल भी कर रहे हैं। रिलायंस के मालिकाना हक वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म लोगों को फ्री में एंटरटेनमेंट का मज़ा भी दे रहा है। हालांकि आप लंबे समय तक आप फ्री में एंटरटेनमेंट का मज़ा नहीं ले पाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो रिपोर्ट्स आ रही है उसमें यह है कि आईपीएल ख़त्म होने के बाद जियो सिनेमा का इस्तेमाल करने वालों से पैसा वसूला जाएगा। इससे रिलायंस के डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को और ज़्यादा बेहतर बनाने में मदद भी मिलेगी। दिग्गज इंडस्ट्रीज मुकेश अंबानी ने लोगों को दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग फ्री में देखने का मौका दिया। इस साल आईपीएल की व्यूवरशिप के कई सारे रिकॉर्ड भी टूटे, जैसा कि हमने आपको बताया। अगर आप फ्री में आईपीएल देखने का शौक रखते हैं तो जियो सिनेमा आपने ज़रूर डाउनलोड किया होगा और आईपीएल आप ज़रूर देख रहे होंगे। लेकिन अगली बार आप सब्सक्रिप्शन के लिए तैयार रहें, क्योंकि ऐसा बार बार नहीं होगा। पहले सीज़न में आपने देखा कि आपने फ्री में देख लिया, लेकिन अगले सीज़न से आपको पैसे चुकाने पड़ सकते हैं। वाईकॉम 18 का जियो सिनेमा प्लेटफॉर्म को बड़ा कॉन्टेंट इसमें डालने वाली है कंपनी। 100 से ज़्यादा फिल्में और टीवी सीरीज़ को ऐड करेगी। इससे नेटफ्लिक्स और वॉल्ट डिज्नी जैसी ओटीटी कंपनियों को तगड़ी टक्कर मिलेगी। हालांकि इसके लिए यूज़र्स को चार्ज अदा करना होगा, यानी बहुत जल्द फ्री में एंटरटेनमेंट का मज़ा आपका खत्म होता चला जाएगा। कब से होगा बदलाव ये आपको बता देते हैं कि कब से इसकी तैयारी हो रही है। हालांकि रिपोर्ट्स आई है कि अगले जो आईपीएल सीज़न है उससे इसमें बदलाव किया जाएगा। एक इंटरव्यू में रिलायंस की मीडिया और कंटेंट बिजनेस प्रेसिडेंट ज्योति देशपांडे ने कहा कि जियो सिनेमा को आगे बढ़ाने के साथ साथ कॉन्टेंट के लिए चार्ज वसूलने की शुरुआत होगी। अभी कीमत तय की जाएगी उसकी स्ट्रेटजी कोई नहीं बनी है। उन्होंने आगे कहा कि 28 मई को आईपीएल खत्म होने के पहले कंटेंट जोड़ दिया जाएगा, तब तक दर्शक फ्री में आईपीएल का मज़ा उठा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगली बार से आपको सब्सक्रिप्शन चार्ज देना पड़ सकता है, तो ये थोड़ा फैंस के लिए दिल तोड़ने वाली बात है। और ऐसे ही हम कॉन्टेंट आपके लिए लाते रहेंगे। आप स्पोर्ट्स आर को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।